कानपुर का सबसे बड़ा कोचिंग मंडी काकादेव है। ITI, मेडिकल, PCS की पढ़ाई होती है और कानपुर का सबसे बड़ा पार्क बाल उद्यान है जिसको मोती झील बोलते हैं। एक भी परिंदा नजर नहीं आ रहा है। जहां हजारों की भीड़ आम दिनों में रहती है, संडे को इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। चकेरी थाना क्षेत्र और जाजमऊ इलाके में जनता कर्फ्यू का दिखा असर। सभी पेट्रोल पंप, होटल व रेस्टोरेंट, मार्केट, बाजार पूरी तरह से बंद हैं। क्षेत्र में खुला है मेडिकल स्टोर। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जाजमऊ पुलिस ने गाड़ी में लाउड स्पीकर बांध कर कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों से घरों में रहने की अपील की है। कानपुर से अनवर अशरफ की रिपोर्ट। माननीय मोदी जी ने जो हम लोगों को निर्देश दिए कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक लोग अपने घरों में रहे, अपने प्रतिष्ठान बंद रखें, इसके पीछे भी मुझे एक बहुत बड़ा लॉजिक नजर आ रहा है। जो ये कोरोना वायरस के बारे में लोग बताते हैं कि ये 12 घंटे तक जीवित रह सकता है, भीड़भाड़ इलाके में अधिकतर पहुंचता है, तो हम सब लोग एक भीड़भाड़ न एकत्रित करें, एकत्र न हो, जिससे वायरस अपने आप में और तेजी से रूप न फैला सके। हमें अपने घरों में रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, भीड़भाड़ इलाकों में नहीं जाना चाहिए। आज देखने को मिल रहा है ये कोचिंग मंडी में एक भी जगह खाली नहीं मिलती, आज पूरा सन्नाटा सा लोग अपने घरों में।